हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं अच्छा मैम, आप बताइए। मैं भी बस बिल्कुल बढ़िया। तो आपका नाम क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, और इस बार सीटेट में क्या स्कोर आपने किया है? मैम मेरा नाम श्वेता है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरा जो सीटेट में स्कोर आया वो 124 आया है अच्छा, लेवल 2 में कि लेवल 1 में? मैम, लेवल 2। लेवल 2 में। तो कैसे की आपने तैयारी? मैम आज इसी बैच परचेज किया था। बैच परचेज किया था, तो जी कितने टाइम पहले से आप जो है बैच से जुड़ी थी, मतलब कितनी टाइम की तैयारी मान सकते हैं आपकी, मैम, यानी मेरा 1 मंथ एंड 15 डेज समथिंग का। 1 से 1.5 महीने की तैयारी में आपका सीटेट में जी 124 स्कोर रहा है। जी अच्छा, तो जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो सबसे मुश्किल क्या लगा था आपको सीटेट में कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है? मैम, मुझे लगा था SSP को भी है ना कि आपका फर्स्ट क्लियर हो जाता है, तो आपका CDP, आपकी लैंग्वेज वो तो उसमें भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द ये देखा गया है कि सेकंड में क्लियर नहीं हो पाता, तो उसका मेन रीजन यही रहता है कि आपका साइंस साइड हो या SSP हो, उसकी भी वो आती है प्रॉब्लम। हाँ वेटेज ज्यादा रहता है उसका। जी हाँ जी तो फिर आपने SST में तैयारी कैसे करी, और अभी SST में क्या स्कोर आपका रहा है? मैम, SST में मेरा स्कोर 45 रहा है, एंड तैयारी मैंने जो क्लासेस थी उस पे आपने बैच प्रोवाइड कराया थी उसमें ही, और यूट्यूब पे जो NCERT थी बस उससे। अच्छा, तो मतलब आपने 60 में से 45 स्कोर तो अच्छा माना जाता है सीटेट में, है ना? यस और बाकी सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है आपका? मैम, CDP मेरे 28 रहे हैं, हिंदी में 27 और इंग्लिश में 24। अच्छा, तो स्कोर आपका सभी सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन रहा है। जी तो तैयारी के आपने कैसे करी थी, मतलब आपने सिर्फ क्लासेस देखी थी, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, या फिर बिना मॉक टेस्ट दिए आप सीधे पेपर में ही जो है पेपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नो करके मैम, आते? मैंने मॉक टेस्ट दिए थे रेगुलरली, मतलब एक बार थोड़ा सा प्रूव हो गया था कि क्लासेस लेके थोड़ा हो गया था कि हाँ मतलब ये बेस है, ये चीजें है, फिर मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पढ़ते हैं ऑनलाइन बैच के तो हमारा जो माइंड होता है वो रिसेप्टिव मूड में रहता है, क्योंकि आपके सामने टीचर खड़ा होता है तो डिकोड बिल्कुल करके एक वर्ड आपको एनालाइज करके दे रहा है, तो उसमें मतलब ये नहीं रहता कि आप देखते हो ना, वो सारे बोलते हैं कि मैं क्लास में तो करता हूँ, मेरे हाँ सारे हाँ क्वेश्चन सही हाँ हो जाते हैं, बट मेरे बिल्कुल मॉक टेस्ट में या एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आते, तो मुझे लगता है यहाँ पे ना हम सिर्फ रिसेप्टिव मूड में रहता है हमारा माइंड, कि हम सिर्फ देख रहे हैं समझ रहे हैं बस इतना, बट जब मॉक टेस्ट देते हैं खुद डिकोड करते हैं चीजों को, एनालाइज करते हैं, तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट दिए सारे दिए। अच्छा। नहीं वैसे ऐसा होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई टीचर जब आपकी उस समय लाइव पढ़ाता है तो हमारा टाइम ज्यादा जाता है, अगर हम बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन से अलावा कुछ बात है तो उसको हम स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा देखा जाता है। चलिए जी बहुत बढ़िया, एक सौ यस मैम, चौबीस और मतलब ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्डेड ले रहे थे तो कोई डाउट था वो सोल्व नहीं हो पाता था, क्योंकि डाउट ग्रुप था तो उसमें वो बाद में सोल्व हो जाता था, तो अच्छा, उसका क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपका कोई डाउट जब आता था तो आप डाउट ग्रुप में पूछ लेते थे, तो लाइव की कोई दिक्कत ही नहीं कि भाई लाइव ही लेना है, टीचर से डाउट कैसे पूछेंगे अगर लाइव क्लास नहीं लेंगे तो। चलिए यस चलिए, मैम, वाह बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे पता चला कि RWA जो है आपके सीटेट की एग्जाम की तैयारी करा रहा है? मैम एक्चुअली मेरा यंगर ब्रदर है, वो करता है RWA से तैयारी कर रहा अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया था। है। अच्छा, तो अभी और आप क्या कर रही हैं इसके अलावा? मैम इसके अलावा भी तो मैं PGT भी फोकस है, क्योंकि KVS की भी आपके बता रहे कि नोटिफिकेशन आ रही है, DCSP की भी आ रही है, तो PGT लेवल है। अच्छा, BEd कब हुई है आपकी फाइनल? मैम लास्ट ईयर लास्ट ईयर फाइनल हुई है। यस मैम, अच्छा, तो अभी आप मतलब अपने PGT की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं से जी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या खुद ही सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं? नहीं मैम, सेल्फ सर्विस स्टडी से कर रहे हैं। चलिए बहुत जी। बढ़िया। तो आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका कि मतलब सीटेट में अगर आप कोई दो तीन टिप्स ऐसी कि बच्चों का मतलब आपकी टिप्स सुन के उन्हें ऐसा लगा कि अच्छा हाँ हम भी कर सकते हैं, एक ही बार में भी क्वालिफाई हो सकता है, ये पहली बार ही आपने सीटेट दिया होगा? यस मैम, हाँ, तो कोई ऐसी दो तीन टिप्स जो आपको लगता है कि हाँ मैंने अपनाई हुई है और अगर ऐसा फॉलो करते हैं, क्योंकि सीटेट में अगर रिजल्ट देखें तो इस बार भी 14-15% रिजल्ट रहा है, ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं, तो ऐसी क्या गलतियां वो कर रहे होंगे जो मतलब उनको नहीं करनी चाहिए? मैम मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर सबका मोस्टली क्लियर हो जाता है, जी ठीक जी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको लैंग्वेज में ज्यादा प्रॉब्लम है, बस प्रैक्टिस की बात होती है, आपकी हो जाती है। CDP भी आप अगर आप एज ए स्टूडेंट देखते हो, उसके आंसर देखते हो, तो मोस्टली सही हो जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं उसमें भी, आपको पता है कि हाँ जी जी जिन प्यारे से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया, तो वो कम आते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट देखते हो उसके आंसर, तो आंसर CDP के भी आपके मोस्टली सही हो जाते हैं। फिर बात आती है आपके सब्जेक्ट की, आप SST या साइंस से कर रहे हो, तो आप एक पहले सोर्स ढूंढो कि जिसका आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है,
हम क्या करते हैं कि चार पांच जगह इसकी भी देख लेता हूँ, इसकी भी देख लेता हूँ। मैंने कहीं मैं एक आईएएस का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें ये था कि मैंने पांच छह किताबों को पढ़ने से बेटर एक किताब को छह बार पढ़ा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिला। तो आप इस एक सोर्स लेते हो, उसी से मतलब बार बार उसी को रिवाइज करते हो, बहुत बेटर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें जो निभाते हो एनसीईआरटी। अब इसमें देख लो कि लाइन वाले क्वेश्चन है, वो सारी की सारी एनसीईआरटी बुक की लाइन होती है, फैक्ट बेस आते हैं, वो भी आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। और एनसीईआरटी का ये नहीं है कि आप रट्टा मार के आप उसको याद कर सकते हो, आप उसको जाना पड़ता है लाइन बाय लाइन। दो तीन बार आप करोगे तो आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है, आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन लग जाते हैं। एंड मेन इम्पोर्टेंट, अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। क्योंकि मैं अगेन मैं यही कहूंगी कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो हमारा जो माइंड होता है वो रिसेप्टिव मोड में होता है, क्योंकि टीचर सामने खड़ा होता है, वो एक एक वर्ड आपको डिकोड करके दे रहा है, एक एक चीज आपको एनालाइज करके दे रहा है कि ये ऐसे है, तो आंसर देना बहुत आसान होता है। बट जब हम खुद करने जाते हैं तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मॉक टेस्ट की आ जाती है। अगर आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से देना शुरू कर दो तो एक क्वेश्चन को समझने की, डिकोड करने की, एनालाइज करने की वो हैबिट बन जाती है। तो मैं कहूंगी कि मॉक टेस्ट रेगुलर बेस पे देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम आई थी, जैसा कि आती है? मैंने 1 आवर पहले खत्म कर लिया था। अच्छा, मतलब फिल करने रह गई थी। अच्छा, चलिए, तो ये तो आपने सही मतलब अच्छी से तैयारी करी। और दो टिप्स मुझे आपकी अच्छी लगी, एक तो कि आप जो है ज्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है कि एक ही बुक को या एक ही कंटेंट को या एक ही क्लास को दो चार बार देख लो, है ना, अलग अलग जगह से देखने से। जी बिल्कुल। और दूसरा कि मॉक टेस्ट जरूर दें, खुद से दें, क्योंकि टीचर वहां जब आपको बता रहा है तो वो सब कुछ आपको परोस दे रहा है, है ना। और जब आप खुद करोगे तो आपको खुद का लेवल पता चलेगा और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप बनेंगे कि और इम्प्रूव करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जल्दी ही जो है पीजीटी की तैयारी में अपना एक टीचर के रूप में आप जो है स्थापित हों, ठीक है, और मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि सीटेट तो आपकी आदर्श शिक्षक बनने की परीक्षा ही थी जिसमें आपने बहुत अच्छे नंबर से जो है क्वालिफाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर किसी तरीके के मार्गदर्शन की जरूरत, आपको आरडब्ल्यू टीम आपकी कहीं सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, तो आप खुल के जो है हम लोगों से हेल्पलाइन नंबर पर, या मेरा नंबर आपके पास है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।